राधे, आज आपके लिए बहुत अच्छी चीज लेकर अरुणिमा सिन्हा के बारे में। अरुणिमा सिन्हा एक ऐसी लड़की जो लखनऊ से दिल्ली के बीच में ट्रेन में सफर कर रही थी, तो उसको कुछ बदमाशों ने ट्रेन से धक्का दे दिया, तो उसके दोनों उसकी ट्रेन के ऊपर से उसके पांव के ऊपर से ट्रेन गुजर गई, तो उसके दोनों पांव कट गए। रात भर तड़पती रही, उसके पांव को चूहे और कीड़े मकोड़े काट रहे थे। अपने पांव को देखते हुए उसके पांव में बस मांस ही बचा रहेगा था, पूरी हड्डी उसके पूरे उसके पांव में पूरी हड्डी पूरी तरह से लटक गई थी। अरुणिमा सिन्हा के पास से 16 से 20 ट्रेनें उसके आसपास से गुजर गई, तभी भी उसके अंदर का हौसला कम नहीं हुआ। तो अरुणिमा सिन्हा सोचा कि मेरे को भगवान ने बचाएगा, ट्रेन मेरे दोनों पांव कट चुके लेकिन बचाया, लेकिन मुझे इतिहास रचने के लिए बचाएगा। अरुणिमा सिन्हा ने क्या डिसाइड किया कि मुझे भगवान ने बचाया तो इतिहास रचने के लिए बचाएगा। अरुणिमा सिन्हा को अरुणिमा सिन्हा ने बहुत लोगों से मदद मांगी, वहां पे गुजर रहे थे पन्नी बिनने वाले, खूब सारे झाड़ू वाड़ू लगाने वाले गुजरे थे, उन्होंने उससे मदद मांगी, लेकिन अरुणिमा सिन्हा को किसी ने मदद नहीं दी। तो उसके बाद पुलिस वालों ने देखा कि बहुत देर से एक दिन से यहाँ पर एक लड़की पड़ी हुई, तो पुलिस वालों ने उसको देखा, उसका आइडेंटिटी कार्ड लिया, सब कुछ उसका देखा, तो उसको बाद में पता चला कि ये इंटरनेशनल खिलाड़ी है वॉलीबॉल में। तो उसके बाद उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में लेने के बाद उसका इलाज चला, 4 महीने तक उसका इलाज चला। तो डॉक्टर ने बोल दिया कि आपके पांव को वापस से फ्रैक्चर हो गया है, वापस से इसको अच्छा कर देना, अब हमारे बस की बात नहीं है। तो अरुणिमा से मैंने डॉक्टर से कहा कि मुझे भगवान ने परमात्मा ने बचाया तो मुझे इतिहास रचने के लिए बचाया, अब तो मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। अरुणिमा सिन्हा जिसके दोनों पांव कट चुके हैं, आप कैन यू बिलीव इट, उसने क्या कहा कि मेरे को एवरेस्ट चढ़ना है, जब भी उसके पांव दोनों कट चुके, इतना विश्वास था उसको अपने ऊपर। अरुणिमा सिन्हा की बात सुनी, उसके फैमिली वालों ने उसकी बात सुनी, उसकी फैमिली वालों ने बोला कि तूने तेरे मन में बात है, तू उसको 100% कर सकती है। फिर अरुणिमा सिन्हा से मिले बजेंद्र पाल ने उसकी बात सुनी। बजेंद्र पाल जो थे उस टाइम पर वो माउंट एवरेस्ट को सबमिट कर चुके थे, पूरे हेड थे वहां पर। तो बजेंद्र पाल से मिले अरुणिमा सिन्हा, बजेंद्र पाल से अरुणिमा सिन्हा ने कहा कि मुझे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है। तो बजेंद्र पाल ने बोला कि बस अब तो तू चढ़ चुकी है, ये तू फैसला तूने कर लिया, तू चढ़ चुकी है, बस अब तो पूरी दुनिया वालों को डेट बताना बाकी है कि तू कब किस डेट को चढ़ेगी। आदमी विकलांग, आदमी जो रहता है विकलांग, अपने फिजिकल बॉडी से नहीं होता है, वो अपने थॉट और अपने विचारों से और अपनी सोच और अपने मन से होता है। एक बात आप हमेशा याद रखो कि उसके दोनों पांव कट चुके हैं, तभी भी उसका इतना विश्वास था, इतना कॉन्फिडेंस था कि वो वापस से अपनी लाइफ को अपनी लाइफ में एक बड़ा गोल अचीव कर लिया। उसने सोचो टारगेट भी क्या किया, दोनों पांव है नहीं, फ्रैक्चर, एक पांव में रॉड डली हुई है, एक पांव में फ्रैक्चर रहेगा, तभी भी उसको माउंट एवरेस्ट को कवर करना है, सबमिट करना है। कितनी बड़ी बात होती है। आपने थॉमस अल्वा एडिशन का नाम सुना होगा, थॉमस अल्वा एडिशन 9999 बार फेल हुए। तो उनसे एक आदमी ने पूछा, सर आप 9999 बार फेल हुए तभी भी आपको अपने आप पे इतना विश्वास था कि आप बल्ब का आविष्कार करेंगे? तो थॉमस अल्वा एडिशन ने कहा कि 9999 में असफल नहीं हुआ, मैंने 9999 तरीके सीखे कि बल्ब 9999 तरीके में से किसमें से नहीं बन सकता है। फिर सिंपल सी बात ये, तो अरुणिमा सिन्हा ने 4 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रही, फिर बजेंद्र पाल से मिली। बजेंद्र पाल ने उससे कहा कि तुम माउंट एवरेस्ट अपने दिल में और अपने मन से तुम चढ़ चुकी हो, बस पूरी दुनिया वालों को डेट बताना बाकी है, क्योंकि वो पूरी दुनिया वालों ने उसके ऊपर इल्जाम लगाए थे कि ये इसको ट्रेन से फेंका नहीं गया, ये सुसाइड करने जा रही थी। तो उसी इल्जाम को वो साबित करने के लिए उसने बड़ा गोल अचीवमेंट करने के लिए ये सब किया था। अरुणिमा सिन्हा फिर चार से छह महीने तक उसने लगाए और उसने माउंट एवरेस्ट की हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड को उसने सबमिट कर लिया। कितनी बड़ी बात होती है कि दोनों पांव होने के बाद भी। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, इस वीडियो में क्या मोटिवेट का, क्या इंस्पायर होने का, क्या हमें इसमें से गुडविल सीखना है, इस वीडियो को अच्छे से देखिए। और अरुणिमा सिन्हा के बारे में आपको और डिटेल में बताऊंगा इस नेक्स्ट वीडियो में। यस वी कैन, हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे। जय श्री।